हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरन आर्ट एकेडमी। दिस इज रियांश राहुल। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। रिसेंटली मैं मुंबई में जो वहाँ के दो मेन आर्ट स्टोर है वहाँ पे गया था। वहाँ से मैंने कुछ सामान खरीदे जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें और आप वीडियो देखते देखते ये भूल जाओ कि लाइक करना होता है, तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हर वीक नई वीडियो आती है और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस करो। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, एंड विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने ली वो ये पेन पेस्टल। ये एक पाउडर जैसा रहता है और इसकी एक नाइफ आती है जिसमें ऊपर में स्पंज लगा होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए। तो इसके साथ मैंने इसकी नाइफ भी ली थी, वो ऐसी रहती है प्लास्टिक की और इसके टॉप में स्पंज आता है इसी के शेप का, तो आप देख सकते हो। ओके, और ये मुझे ट्रायंगल शेप में चाहिए था, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो ट्रायंगल शेप में, बट इसका ये वाला नाइफ अवेलेबल नहीं था। मैंने इसको यूज़ भी किया, आप देख सकते हैं थोड़ा सा। तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा, इसको यूज़ भी करूंगा, उसमें तो आप समझ जाओगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी के लिए आप देख लो कि ये कैसे होती हैं अगर जिनको नहीं पता। तो ये ट्रायंगल वाली स्पंज मैंने ले ली और इसी के साइज का एक पैलेट नाइफ ले लिया और इसमें ये फिट करके देख लिया, तो ये फिट हो रहा था अच्छे से, तो मैंने इसको ले लिया। ओके, एंड दो नीडेड इरेजर भी लिए मैंने, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो कैमल के मिल रहे थे तो मैंने ले लिए। कैमल की ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है अमेज़न पे, और ये बहुत ही सस्ते रेट में आते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है, आप इसको आराम से बहुत सारे ले सकते हो। एंड ऑनलाइन नहीं मिलते हैं ये अमेज़न पे, तो आप स्टोर पे, जो मैं नीचे नंबर वंबर दूंगा आपको सब स्टोर वगैरह का, तो आप बात करके आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। एंड जो भी चीज़ें मैंने ली हैं उसकी क्या प्राइस पड़ी वो मैं आप स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। एंड इसका अमेज़न लिंक जिसका अवेलेबल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप कंपेयर कर सको इनके जो प्राइस, जिस प्राइस में मैंने लिए हैं और जिस प्राइस में वो ऑनलाइन अमेज़न पे मिल रहे हैं। तो इससे क्या है, अगर आप देखोगे कि आप अगर डायरेक्ट मंगाते हो तो आपको कम रेट में मिलेगा, और अमेज़न पे वो कॉस्टली मिलता है, तो आप डायरेक्टली आराम से इनसे कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हो। तो ये जो चीज़ें थी ये हिमालय आर्ट स्टोर से मैंने ली थी, और इसके बाद मैं गया था आर्ट लॉन्ज और वहाँ से मैंने कुछ हाई क्वालिटी के सामान लिए थे। एंड इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, और उसको आप स्किप कर दोगे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप हो सकता है मिस कर दो। तो आर्ट लॉन्ज जाने के बाद मैंने ये निट्रम का चारकोल लिया पहला, तो एंड ये बहुत ही हाई क्वालिटी का चारकोल है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं। तो मुझे बहुत टाइम से मैं चाहता था कि ये नेटरम के मैं चारकोल यूज़ करके देखूं कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो HB का मैंने लिया है, ये चार अलग अलग शेड्स में आते हैं, तो मैंने HB लिया है एंड इसको मैं ट्राई करूँगा, देखूँगा कि कैसे है ये। बाकी क्वालिटी वाइज तो इसको इंटरनेशनल आर्टिस्ट रिकमेंड करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और इसका ये एक स्टिक लिया था मैंने, पैड लिया था जिसमें ये ऊपर कवर है, इसको हटाने के बाद ये सैंड पेपर लगा हुआ है जिसमें हम चारकोल को शार्प कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया था विंसर न्यूटन के दो कलर्स। विंसर न्यूटन के मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स हैं, एंड इसके दो ग्रेड्स आते हैं, आर्टिस्ट एंड एक विंटन। तो विंटन है वो जो थोड़ा लोअर क्वालिटी का है आर्टिस्ट के कंपेरिजन में। ओके, तो आर्टिस्ट के वाले मैंने यूज़ किए हैं और मुझे विंटन को ट्राई करना था, इसलिए मैंने ये दो शेड्स लिए हैं, देखते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। एंड एक होल्डर लिया था मैंने, पेस्टल होल्डर। तो ये जो पेस्टल होल्डर है इसमें आप पेस्टल को पकड़ सकते हो जब वो छोटे हो जाते हैं, तो क्योंकि छोटे होने के बाद पेस्टल को यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें आप इजीली पेस्टल को ऐसे होल्ड कर सकते हो। काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ये कोहिनूर ब्रांड का है। एंड इसमें आप चारकोल भी होल्ड कर सकते हो, जो चारकोल के साइज़ मोटे रहते हैं, जैसे ये नीटरम को मैंने होल्ड करके ट्राई किया था तो इसमें ईजीली वो पकड़ आ रहा था, तो इसको आप बाकी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हो जो इसमें फिट हो जाए। काफ़ी हैवी है ये, बहुत अच्छा मुझे लगा ये। एंड कुछ ब्रशेस कैमलिन के मैंने लिए थे सिंथेटिक हेयर में, और मुझे लगा कि ये ऑयल में अच्छा काम कर सकते हैं। एंड मैंने एक
ऑयल पेंटिंग की सीरीज़ में एक वीडियो में बताया था कि ब्रश को सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो मैंने करके बताया था, कुछ चीज़ें बताई थी, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें ताकि आप जब भी ब्रश खरीदने जाओ, खासकर ऑयल पेंटिंग के लिए, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको रहे कि ब्रश सही है कि नहीं है। एक मैंने ऑयल डिपर लिया था जिसके दो सेक्शंस हैं, इसमें एक में आप लिंसिड ऑयल रख सकते हो, एक में टर्पेंटाइन रख सकते हो, तो दोनों को आप जब जिसका यूज़ हो सकता है आप उसको आराम से ले सकते हो। और इसके नीचे हुक दिया हुआ है जहाँ पे आप पैलेट में इसको फिट कर सकते हो। तो मेरे पास ये प्लास्टिक का था पहले, अब मुझे स्टील का चाहिए था क्योंकि पहले पुराने आर्टिस्ट जो हैं स्टील का यूज़ करते थे और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने स्टील का ये लिया, ऑयल डिपर इसको बोलते हैं। और ये काफ़ी सस्ते रेट में मिल गया एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट जो ऑनलाइन मुझे दिख रहे थे, तो उससे काफ़ी सस्ता है ये जो जिस रेट में मैंने यहाँ से लिया है। और एक ब्रश लिया था मैंने प्यूबियो ब्रांड का नंबर 2 ब्रिशल हेयर, तो इसको भी यूज़ करके देखना है। और एक पैलेट लिया था मैंने ब्राउन कलर का, तो काफ़ी टाइम से मुझे बड़े साइज का पैलेट लेना था बट ऑनलाइन वो अवेलेबल नहीं था, और ऑनलाइन जहाँ जिस साइट पे अवेलेबल था भी तो मुझे उसकी क्वालिटी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि देख के ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती है। तो ये मैंने वहाँ से लिया आर्ट लॉन से, और इसका सरफेस काफ़ी स्मूथ है, अच्छा क्वालिटी का है, ये इटली में बना है ये, और साइज भी इसका अच्छा है, एंड इसकी प्राइस के हिसाब से ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्वालिटी भी अच्छी है और साइज भी इसका अच्छा है। बड़े पेंटिंग में इसमें आराम से बहुत सारे कलर मिक्सिंग कर सकते हैं, बहुत स्पेस है, तो काफ़ी अच्छा मुझे ये मिल गया वहाँ पर। तो अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। मुंबई में मैं दो आर्ट स्टोर गया, एक था हिमालय आर्ट स्टोर, एक था आर्ट लॉन्च। गूगल पे अगर आप सर्च करते हो तो हिमालय आर्ट स्टोर को बहुत सारे रिव्यूज़ मिल रखे हैं, क्योंकि वो मार्केट एरिया के अंदर है, उसमें ज़्यादा लोग आते हैं तो रिव्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। आर्ट लॉन्च थोड़ी नई है और वो मार्केट एरिया से थोड़ा दूर है, तो लोग पहले इधर आते हैं, इधर बाद में आते हैं, तो रिव्यूज़ कम है। तो सिर्फ रिव्यूज़ के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते कि कौन सा स्टोर बेस्ट है, इसलिए मैं दोनों पे गया क्योंकि दोनों ही टॉप लिस्ट में थे और दोनों ही शो कर रहे थे कि ये दोनों ही बेस्ट स्टोर्स हैं मुंबई में। मैं दोनों में गया, दोनों से जगह से मैंने सामान ली, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कुछ ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे नहीं हैं, कुछ ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं बट यहाँ पे नहीं हैं। तो हिमालय आर्ट स्टोर में कुछ चीज़ों की वैरायटी ज़्यादा है, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ज़्यादा है। फेवर कैसल के पेंसिल्स वगैरह यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोहिनूर ब्रांड की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो अल्टरनेटिव चीज़ें हैं बट वो दोनों जगह ही अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कॉपिक के जो मार्कर्स आते हैं, कई लोग उसको खोजते हैं, कॉपिक के मार्कर यूज़ करते हैं, वो यहाँ मिलेंगे बट यहाँ नहीं मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन विंसर न्यूटन के मार्कर्स मिल जाएंगे जो कॉपिक के ब्रांड को टक्कर देते हैं, प्लस थोड़े से कॉस्ट में कम भी हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जाओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी या कुछ अनोखा ऐसा कुछ मिल जाएगा जो यहाँ नहीं है। आपको दोनों ही जगह लगभग जो जो आपको चाहिए मिल जाएंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें वहाँ आप जाओ तो ना मिले, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, वो मंगा के दे देते हैं। बट जो चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे आर्ट लॉन्ज में, वो ये कि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। यहाँ पे लोग अपने में ही थे, मैंने देखा, मैंने सबको ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे अगर आप सामान ले जाते हो और आपके लिए कोई प्रोडक्ट नया है तो कोई आपको नहीं बताएगा कि इसको लो या ये चीज़ अवेलेबल है, ये मत लो या ये लो, ये ज़्यादा अच्छा मिलेगा, कोई आपको कुछ नहीं समझाएगा। आपको लेना है, बिलिंग करवानी है, सामान लेके आना है बस। लेकिन एज एन आर्टिस्ट कई बार हमें नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता है और हम चाहते हैं कि कोई हमें इसके अच्छे से समझाए, क्योंकि आर्ट की चीज़ें खासकर हाई ब्रांड की चीज़ें महंगी होती हैं। तो यहाँ पे जो लोग थे, काफ़ी सारी जो यहाँ पे यहाँ का जो मेंबर्स थे, स्टाफ मेंबर्स थे, वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव थे, काफ़ी हेल्पफुल थे। मुझे बहुत सारी ब्रांड जो थे वो नए दिखे, तो मैंने उसकी अच्छे से जानकारी ली कि उसके कॉस्ट क्या है और उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको ट्राई करके भी देखा, तो बहुत कुछ मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। और एक चीज़, यहाँ पे कुछ ब्रांड्स के वैरायटीज़ थे, जैसे विंसर न्यूटन के जो कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट दोनों ही स्टोर पे अवेलेबल हैं बट यहाँ पे वो कुछ लिमिटेड हैं, यहाँ पे सीरीज़ वाइज उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी। वाटर कलर में दो
फेमस ब्रांड स्टोर में अवेलेबल थे, श्मिंकी एंड डैनियल स्मिथ, दोनों ही हाई क्वालिटी प्रोफेशनल ब्रांड हैं। यहाँ पे वाटर कलर में दूसरे ब्रांड जैसे कि मिशन और भी दूसरे ब्रांड्स थे, तो दोनों ही जगह पे अपनी अपनी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे मुझे वैराइटीज़ पर ज़्यादा मिली एंड काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी अच्छे से इन्होंने मुझे एक एक चीज़ एक्सप्लेन की, समझाया, और बहुत सारी नई चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी जो बाकी जगह पे मुझे नहीं मिलती थी। तो मैं पर्सनली अगर मुझे आर्ट के कुछ मटेरियल्स लेने होंगे तो मैं आर्ट लॉन्च को प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू हिमालया आर्ट्स। और नई चीज़ें अगर आपको चाहिए, नए ब्रांड्स आपको देखने और उसको अच्छे से समझना है और लेना है, तो आप आर्ट लॉन्च में जा सकते हैं, वो अच्छे से समझाते हैं, आप चीज़ों को टेस्ट करने का भी मौका देते हैं। तो और काफ़ी ब्रांडेड ये स्टोर्स हैं, जो भी दोनों ही स्टोर्स काफ़ी ब्रांडेड हैं। यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट के इवेंट्स होते हैं, पोर्ट्रेट्स के डेमोज और काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह होती हैं, तो क्वालिटी तो दोनों की अच्छी है। बट सपोज सपोर्ट सिस्टम भी एक चीज़ होती है और वैराइटीज़ भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा मिली। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आर्ट लॉन्च के ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। हिमालय के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं मिली, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स मिले जो प्रोडक्ट वो दे रहे थे, और उसकी क्वालिटी को मैं ज़्यादा जज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उन्हें पर्सनली टेस्ट नहीं किया। ओके, और वैराइटीज़ भी कम थी, स्केचबुक हो या पेपर्स हो, वैराइटीज़ कम थी और यहाँ पे वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा थी, और मैंने हर चीज़ को देखा समझा, तो ये मुझे बेटर लगा। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ आर्ट लॉन्च के ऊपर, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, उस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, लंबी होगी बट बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो इस वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, ये जल्दी आने वाली है। एंड हमारा जो ये कॉन्टेंट हम आपको देते हैं तो ट्राई रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और व्हाट्सएप पे भी मैंने एक ग्रुप बना रखा है जिसपे सब आर्टिस्ट डिस्कस करते हैं डाउट्स, तो उसकी भी वीडियो मैंने एक वीडियो में बताया था, तो वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ एक थम्सअप दे दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, खासकर जो आर्ट लवर्स हैं उनके साथ, जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।